क्या आप जानते हैं कि जियो का जो वेलकम ऑफर है जो कि 31 दिसंबर 2016 तक एक्सटेंड होने वाला था, वो बीच में ख़त्म हो सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी जो है देने वाला हूँ। मैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कलोल और आप देख रहे हैं हेड एंड टेल। तो ये बात करते हैं कि जियो का जो प्रमोशनल ऑफर चल रहा था फिलहाल, काफ़ी दिनों से जियो जो है चर्चा में चल रहा था। अभी इसके बीच में क्या है ना, ट्राई ने जो है झटका दे दिया है सबको कि कोई भी टेलीकॉम प्रमोशनल ऑफर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज तक हो सकता है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जियो जो है वो लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2016 को, और उसके साथ में अगर हम लोग 90 डेज को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाए 3 दिसंबर। तो इसी हिसाब से हम लोग गेस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिसंबर तक जो है जियो का है वेलकम ऑफर जो है वैलिड रहेगा। उसके बाद जो है आपको जो है कमर्शियल प्लान जो है लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो सबसे पहले आ रही थी कि जियो का जो वेलकम ऑफर है, ये देखिए मैंने नेट में काफ़ी सारे जो रिसर्च किए हैं, जियो का वेलकम ऑफर जो है वो एंड खत्म हो सकता है 3 दिसंबर, बट फ्री डाटा और कॉल जो है इसका कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मैंने जो जियो का जैसे ही वेबसाइट जो है चेक किया है, जियो का ऑफिशियल वेबसाइट, और आज के डेट जो है 22 अक्टूबर 2016, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, और यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा गया है कि जियो का वेलकम ऑफर जो है वो 31 दिसंबर 2016 तक जो जारी रहे। और फिर बात करते हैं दूसरी टेक न्यूज़ की, फिलहाल तो अभी के लिए जो ऐसा लग रहा है कि जियो का जो ऑफर है वो जो है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जियो के ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसे कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं दिया है। अगर कोई नया सब्सक्राइबर 3 दिसंबर के बाद अगर जुड़ता है तो ऐसा माना जाता है 3 दिसंबर के बाद कोई भी सब्सक्राइबर नहीं जुड़ता है तो उसके जो उसको कमर्शियल प्लान जो है उसको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई वेलकम ऑफर जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जो इससे पहले जो ट्राई का जो मतलब नेट का वैलिडिटी पैक होता था, ट्राई ने रेस्ट्रिक्शन कर रखा था कि नेट का वैलिडिटी पैक ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज तक हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी जो है ट्राई ने उसके ऊपर वो पाबंदी जो हटा दी है, तो हमको आगे चल के 90 डेज से ज़्यादा लंबे वैलिडिटी वाले जो पैक थे वो हमको देखने में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये सब जो है 1 साल तक के वैलिडिटी वाले जो नेटपैक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हेड एंड टेल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।